एनएच चंडीगढ़ मनाली 205 पर सोहारघाट के पास पंचपीरी के पास एक तीखे मोड़ पर एक सफेद रंग की कार जो कि दिल्ली से मनाली जा रही थी अचानक ही लुढ़क गई, जिसमें चालक सहित चार लोग सवार थे। इसमें तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उधर अन्य कार में सवार होकर सोनू भवानी जुखाला रविंदर सिंह कोठीपुरा श्यामलाल कोठीपुरा चंडीगढ़ से बिलासपुर के कोठीपुरा जा रहे थे कि गाड़ियों और लोगों की भीड़ देखकर एकदम से रुके और देखा कि एक कार जो कि सड़क के नीचे जा गिरी है। उसी वक्त उनमें से एक युवक ने तुरंत सोहारघाट पुलिस थाना फोन किया और दुर्घटना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उसी वक्त पुलिस घटनास्थल पर जा पहुंची और इन युवाओं की मदद से घायलों को गाड़ी से बाहर निकाला गया। घायलों को ज्यादा चोटें होने के कारण नालागढ़ रेफर किया गया है, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। उधर स्थानीय पुलिस के अनुसार पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। हम 2 बजे आ रहे थे चंडीगढ़ से कोठीपुरा के लिए, तो यहां पे हम रुके और देखा हमने कि लोग खड़े हैं, तो हम भी रुके, क्या हुआ तो हमने देखा नीचे गाड़ी गिरी थी और उसके इंडिकेटर चल रहे थे, वो चीखे मार रहे थे लोग जो उसके अंदर थे। तो हम कोई जाने नीचे जाने के लिए तैयार नहीं था रात को 2 बजे, तो हम जल्दी से, मेरे साथ दो भाई और भी थे, हम जल्दी से नीचे गए, उनको निकाला, दो लेडीज थी, दो लड़के थे, उनको बाहर निकाल के सोहारघाट हॉस्पिटल पहुंचाया। तो पहुंच गए हेलो हॉस्पिटल, तो एक तो यहाँ पे प्रशासन जल्दी पहुंच गया था और प्रशासन ने बड़ी हेल्प की है हमारी। तो एक तो यहाँ पे क्रैश बैरियर लगना चाहिए जिससे आगे कोई हादसा ना हो, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे मतलब कोई भी ऐसा वोर्ड या कुछ भी लगना चाहिए जिससे आगे हादसा रुक जाए, किसी की जान ना जाए। तो 2 बजे चंडीगढ़ से आ रहे थे, तो हमने यहाँ आके देखा तो सारी पब्लिक इकट्ठी खड़ी थी यहाँ, और नीचे जो थे गाड़ी के इंडिकेटर जो भी लाइटें जली हुई थी, तो हमने पूछा भाई क्या हुआ, तो बोलते गाड़ी गिर गई है। तो सर हम फिर नीचे गए, वो कोई जा रहा था, हम नीचे गए, वो बेचारे चीखे पुकार डाल रहे थे, तो हमने उनको रात को 2 बजे बाहर निकाला, और उतनी देर को हमारा प्रशासन भी यहाँ पहुँच चुका था। फिर प्रशासन की मदद से हमने उनको हॉस्पिटल सोहारघाट के लिए फर्स्ट एड के लिए भेजा। तो हम प्रशासन से और सरकार सबसे ही उम्मीद करते हैं कि यहाँ जो भी है क्रैश बैरियर होना चाहिए और कोई चेतावनी बोर्ड एरा वगैरह जो भी है होना चाहिए, जिससे हमारे अब टूरिस्ट जो भी भाई चले हैं नीचे घूमने के लिए, को मनाली जा रहा है मणिकरण जा रहा है, तो उनके लिए कोई दिक्कत पेश ना हो। हम यही उम्मीद करते हैं कि आप जल्द से जल्द यहाँ क्रैश बैरियर लगवा दें।